गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों का टॉपिक है, जैसे प्रीवियस क्लास में हम इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, आज हम यूएसए सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि इंडिया के साथ उसका थोड़ा बहुत डिफरेंसेस क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। आई एम सुधन्या सेन गुप्ता, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पर क्या है प्रोहिबिटेड, फर्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट में जो है respecting and establishment of the religion यहाँ पर है and prohibited to the free exercise of religion. Legislature cannot be declared any religion of the official religion and nor they can give the presence of one religion. कोई भी religion को a official religion हिसाब से वो लोग declare नहीं किए हैं और किसी भी religion को, किसी भी particular एक religion को वो That is the preference भी नहीं देते। इंडिया में क्या है, स्टेट कैन इंटरवेन, वो हम पहले ही जान चुके हैं। यूएस गवर्नमेंट इंक्लूड्स द वर्ड आवर गॉड, हम लोगों का ईश्वर, इसी के हिसाब से वो लोग अपने जो रूल्स है, अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया है। Neither the state in the religion can interfere in the affair of the another in USA. ये इंडिया से अलग है। फ्रेंच में क्या है, in February 2004 में law passed to the banned student from the wearing the conspicuous religion, that is वो लोग मुस्लिम लोग जो हिजाब पहनते हैं, that is यहाँ पर दिया हुआ है the Islamic headscarf, जो दिया हुआ है जो हिजाब पहनते हैं उसको बैन कर चुके हैं। फ्रेंच कॉलोनीज जो था दैट इज द अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, मोरक्को, ये सब जगह में ये बैन हो चुका है। 1960s में फ्रेंच जो है फेस्ड द दैट इज द स्टोरेज शॉर्टेज, सॉरी शॉर्टेजेस ऑफ द वर्कर, इसके हिसाब से वो लोग जो वर्कर थे उनका शॉर्टेजेस वो लोग फेस किए थे, इसके हिसाब से वो लोग रिलीजियस रिलीजियन के ऊपर थोड़ा बहुत वो लोग इतना भी टफ नहीं है, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है रिलीजियन के ऊपर। तो यही है फ्रेंच और यूएसए का जो सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया से कितना अलग है वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.